इसके मुख में प्रवेश करने से कैसे अपना बचाव करे हनुमान? चाहिए, शीघ्रता करो। जय श्री राम। अरे ये किसका स्वर था? स्वर को छोड़ो, वो देखो महाबलवान कुंभकर्ण का हाथ उठ रहा है। असुर श्रेष्ठ कुंभकर्ण की निद्रा असमय तो भंग नहीं हो रही, परंतु अभी तक तो उनके भोजन की व्यवस्था भी नहीं हुई है। अरे शीघ्र भागो यहाँ से, अन्यथा वो हमें ही अपना भोजन बना लेंगे। सावधान सावधान, महाराज कुंभकर्ण अपनी निद्रा से जाग गए। सावधान, भागो 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 यहाँ से, भागो। उस ओर से निकलता हूँ। अकस्मात ये शस्त्र कहां से उत्पन्न हो गए? ऐसे ऐसे अद्भुत शस्त्र? हाँ? तो ये लंका का शस्त्रागार है जहां हनुमान अनायास ही पहुंच गया। मुझे प्रभु श्री राम को यहाँ स्थित अनेक अद्भुत शस्त्रों के संग्रह के बारे में सूचित करना होगा। वहाँ कौन सा शस्त्र है जिससे प्रकाश का विस्तार हो रहा है? ये तो वही विमान है जिसमें वो दुष्ट रावण माता सीता को यहाँ पर लेकर आया था। हनुमान ने स्वयं अपने नेत्रों से इसे देखा था। माता सीता इसी विमान पर विराजमान थी, तो अवश्य ही उनके चरणों की पावन रज भी इसी पर होगी। संभव है उसी चरण रज से मेरे आगे का मार्ग भी प्रशस्त हो जाए। राम काज पूर्ण करने में मुझे कोई दिशा प्राप्त हो।
ये अवश्य ही माता सीता के चरणों की धूल है। माता सीता, प्रभु श्री राम का ये सेवक, आपके दर्शन का अभिलाषी, आपका ये चिन्ह देखकर भाव विह्वल हो आया है। हे माता जानकी, हनुमान शीघ्र ही आपको ढूंढकर यहाँ से मुक्त कराने के लिए तत्पर है। प्रभु श्री राम से पुनः आपका सुखद मिलन हो, ऐसी मनोकामना हृदय में लेकर आया है ये रामदूत। आपकी चरण रज अपने मस्तक पर लगाकर धन्य हुआ यह हनुमान माता। जय सियाराम। मुझे विश्वास है अब मुझे माता सीता तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। वो किसकी परछाई है? कहीं वो माता सीता तो नहीं जो उस कक्ष में बंदी हैं? ऐसी मनमोहक सुगंध हो ना हो, ये रावण के इस राज प्रसाद का सबसे महत्वपूर्ण कक्ष होगा। संभव है माता सीता यहीं हैं। सब तो मदिरा के मद में चूर हैं। नहीं, ये माता सीता नहीं हो सकती। उस शैया पर कौन निद्रा मग्न है? देखता हूं। रावण माता सीता का हरण कर ले जा रहा था तब मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका, परंतु आज इस अधम पापी को जीवित नहीं छोड़ेगा हनुमान। जिस दुष्ट ने प्रभु श्री राम और माता सीता के नेत्रों से निद्रा छीनी हो उसको इस प्रकार निर्विघ्न निद्रा सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं। Yeah.
किंतु एक निहत्थे और निद्रा मग्न योद्धा पर वार करना तो अनुचित है। ऐसा कर मैं अपने गुरुओं से अर्जित शिक्षा का निरादर नहीं कर सकता। शीघ्र ही ज्ञात करो वो जानकी कहाँ है जिसके बिना मैं अधूरा हूं। और हनुमान, लंका में रावण की शक्ति और सेना का भेद पता कर मुझे बताओ। इस दुष्ट को इसके पाप कर्मों का दंड हनुमान नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम देंगे। मेरे यहां आने का उद्देश्य तो माता सीता को ढूंढना है, जिसकी पूर्ति के लिए मुझे पूर्ण एकाग्रता से प्रयत्नशील रहना चाहिए। इन सबसे अलग विलग कौन है वो स्त्री? ये तो नहीं है माता सीता। माता सीता, प्रतीत होता है हनुमान ने माता सीता को ढूंढ लिया है। हाँ, अवश्य यही माता सीता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता इस प्रकार के आभूषण कदापि धारण नहीं कर सकती, ना ही प्रभु से दूर रहकर वो क्षण भर के लिए भी निद्रा मग्न हो सकती हैं। नहीं हनुमान, तुम अभी भी माता सीता को नहीं ढूंढ पाए। परंतु ये है कौन? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है? लंकेश रावण की पत्नी मंदोदरी। ये तो रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। मैं निरा वानर का वानर ही रहा। अपनी मूढ़मति से मैंने ये कल्पना भी कैसे कर ली कि माता सीता का यहाँ इस दुराचारी और विलासी रावण के शयन कक्ष में उपस्थित होना संभव है? धिक्कार है मुझे और मेरी वानर बुद्धि को। अब इस कक्ष से निकलना चाहिए। हनुमान ऐसी मूर्खता कैसे कर बैठा? हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। ये मेरी बुद्धि ने अपने भीतर कैसा घृणित विचार पनपने दिया। मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि माता सीता रावण के कक्ष में हो सकती है। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। संपूर्ण रात्रि बीत गई और मैं माता सीता को ढूंढ पाने में असफल रहा, उस पर इतनी बड़ी मूर्खता भी कर बैठा। हे प्रभु, आपका ये सेवक भ्रमित होकर भटक रहा है, उसे उचित मार्ग दिखाइए प्रभु। कोई संकेत, कोई चिन्ह दिखाइए प्रभु। मेरी सहायता कीजिए प्रभु श्री राम, मेरी सहायता कीजिए। श्री राम
नौका में प्रभु के नाम का स्मरण, ये हनुमान का भ्रम है या वास्तव में कोई प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण कर रहा है? श्री राम, श्री राम, श्री राम। कहीं कहीं ये प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? अन्यथा भोर होने के पूर्व ही इस पाप नगरी लंका में कौन राम नाम का जाप करने का साहस करेगा? श्री राम। यहाँ इस भवन के अहाते में तुलसी माता, आश्चर्य है। हो रामायुध अंकित गृह पावन, आंगन महावृंदा अति पावन, राम भक्त लंका। ये तो प्रभु श्री राम के आयुध के चिन्ह हैं। हनुमत अचरज से हर साई, जय श्री राम। श्री मुझे पुनः वानर समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। श्री राम। पहले ये निश्चित कर लेना आवश्यक है कि कहीं कोई मुझे छलने का प्रयास तो नहीं कर रहा। संभव है कि हनुमान को फंसाने के लिए ये किसी मायावी राक्षस की चाल हो। श्री राम, श्री राम। मेरा मन एकाग्रित क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई और भी यहां पर गुप्त रूप से उपस्थित है? श्री राम।
ये क्या अकस्मात सब परिवर्तित हो रहे हैं? होता है कोई हनुमान को भ्रमित करने की चेष्टा कर रहा है। यदि आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण समर्पित हैं तो कोई भी आपको भटका नहीं सकता, किंतु अपने कार्य में सजग और केंद्रित रहना उतना ही आवश्यक है।